बाद वो मित्र आता है, उसे क्या मालूम कि मेरे चित्त के रंग बदल चुके हैं। वो पहले की तरह मिलना चाहता है, हाथ फैलाता है, गले मिलना चाहता है, और मैं पीछे हटता हूं। जिस मित्र को देख करके मैं प्रफुल्लित हो जाता था, खुश हो जाता था, उसको देख करके मुस्कुराने का तो मन ही नहीं, नफरत हो रही है। वो कहता, अरे तुझे क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, घर में सब ठीक तो है? और मैं चिल्ला के पड़ूंगा, क्या हुआ घर में सब ठीक है? तू कैसे बोल रहा है? तू तो मेरा सबसे अच्छा मित्र था। कोई मित्र तुम्हारा अब नहीं है। पूछता, भाई क्या हो गया बता दो। और मैं बताता नहीं, कैसे बताऊं? मित्र, जो तेरा चित्र था वो तो बिगड़ गया है, अब वो तो विचित्र हो गया है। अब चित्र जो था वो विचित्र हो गया, विचित्रता में मित्रता कहा? फिर धीरे धीरे मुंह खुलने लगता है, तू ये बता कि शराब कब से पीने लगा? अरे मैं शराब पीता हूं, मेरे तो हाथ नहीं लगाया। हाथ नहीं लगाया, तेरे बारे में सभी लोग जानते तू शराब पिए। शराब शराब नहीं, तू तो व्यभिचार नहीं करता। अरे मैं व्यभिचार करता हूँ, ये झूठा आरोप है, चोरी नहीं करता है। अरे चोरी मैं, ये पता कि कौन कह रहा है? अब मैं नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सामाजिकता है। फिर एक का पता भी देता हूँ, उसने कहा तूने उसकी चोरी की। अरे मैंने चोरी की, उसी ने मेरे पैसे चुराए, उसी ने मेरे पैसे चुराए। अब मैं कंफ्यूज हो गया, रंग बदलू या कोई रंग नहीं, पता लगा दुराचार का आरोप। अरे वही दुराचार की, अरे वो खुद शराब पीता, मेरे को पिला रहा था, मैं तो हाथ नहीं लगाया, मैं तो उसकी मित्रता खत्म कर दी। अब मित्रता खत्म कर दी तो वो बाकी तो गड़बड़ करेगा। चुगलियां जब सुनते हैं तो चित्र के रंग बदल जाते हैं, याद रखना। जब भी आप किसी की चुगली सुनोगे, उसका जो चित्र मन में बना है, आपने जो बना रखा, वो बिगड़ जाएगा। और बिगड़ जाएगा तो संबंध टूट जाएंगे, संबंध बिगड़ जाएंगे, वाणी की निर्मलता नहीं बचेगी। और वाणी की निर्मलता नहीं बची तो सम्यक वाणी नहीं बनी। इसलिए बताता हूं, कोई भी व्यक्ति कटु ना बोले, चुगली ना करे, चुगली ना सुने, और लोभ में या डर में वाणी को ना बदले, ये सम्यक वाणी है। उदाहरण समझ गया? इस सारी चर्चा की शुरुआत है ना, आपकी समझ में आनी चाहिए, आ गई ना? चिंता ना करो, जरूर थोड़ी पर मांग लेता हूं। सम्यक वाणी, दूसरा है सम्यक व्यवहार। सम्यक व्यवहार, जैसी वाणी है वैसा व्यवहार होगा। वाणी मधुर है तो व्यवहार भी मधुर होगा, वाणी कटु है तो व्यवहार भी कटु होगा। डर के वाणी बदल गई तो डर से व्यवहार भी बदल जाएगा, और लोभ में वाणी बदली है तो लोभ में व्यवहार भी बदल जाएगा। वाणी और व्यवहार दोनों अलग अलग नहीं है, एक साथ जुड़े हुए हैं। अभी यहां पे आता है, आदमी बोलता है प्रणाम बंदे जी, मधुरता से बोलता है, हम भी कहेंगे मंगल हो, खुश रहो। मधुरता के साथ उसने बोला है तो मेरा स्वभाव कैसा हुआ? मधुरता का हुआ। फिर मैं पूछूंगा, और भी कैसे हो, कैसे आना हुआ, सब कुशल तो है? मधुरता से शुरुआत हुई, मधुरता से पूछ रहे, वो कहते बस बंदे जी तथागत के अनुकंपा है, घर में सब ठीक है, आनंद की बात हो रही है। हो गई ना? शुरुआत कहां से की? सुंदर शब्दों से। आगे बढ़ रहे हैं सुंदरता के साथ। व्यवहार कैसा है? सुंदरता का है। आओ भी खड़े क्यों हो, आओ बैठो, खुशी है, सोफा बैठो, बात करते हैं ना। और एक आदमी अंदर से आए, वंदना भी ना बोले, आपसे जब बात हो रही है नमस्ते भी ना करे, हाँ भाई क्या बात है, तूने मेरे बारे में क्या कहा? मैंने क्या कहा? तूने मुझे गाली दी? अरे मैंने कब दी? ऊंची आवाज से बात सुनी, वो ऊंची हो गई। अभी गाली दी थी नहीं दी किसी को नहीं पता, अब तो निकलने ही लगेगी। याद किया, गाली आ गई। अरे मैंने गाली कब दी? अभी तो दी। अरे कब दी? पता भी नहीं होता कि गाली कब निकल जाए।
यूनिवर्सिटी में मेरा एक साथी था, बात बात में गाली निकाल देता था, तकिया कलाम का गाली। हम चाय पीते थे कैंटीन पर, वो कैंटीन वाले से किसी बात उसकी हॉट टाक हो गई, जोर से बोलते बोलते गाली निकल गई। और दुकानदार भी दुकानदार था, पुराना अनुभवी था, वो भी चिल्ला के पड़ा, तूने मुझे गाली दी। उसने फिर गाली देके कहा मैंने गाली कब दी, अजनबी थी वो, फिर कहता मैंने गाली कब दी, और कहते कहते पीछे गाली निकल गई। हम जो चाय पी रहे थे, हमने कहा सोर बच रहा है, जाके ले गाली, क्या बात हो गई। तो उसने कहा इसने मुझे गाली दी, कहा मैंने गाली दी नहीं। उसने फिर गाली दे दी। फिर हम जो समझा है भाई, तू गाली देता है, तुझे पता नहीं तू गाली देता है। तो दुकानदार को समझाया ये गाली देता नहीं है, गाली तकिया का नाम है। दोनों की समझ में आया, मामला शांत हुआ। कितने लोग हैं जो गालियां देते रहते हैं, पता ही नहीं गाली दे दी। वाणी सम्यक नहीं है तो व्यवहार सम्यक नहीं होगा, याद रखना। और व्यवहार सम्यक है तो वाणी असम्यक नहीं हो सकती। आप किसी से मधुरता के साथ मिलना चाहते हैं तो वाणी खराब कैसे हो सकती है, हो सकती है। आप किसी से गले मिलना चाहते हैं तो गाली कैसे निकल सकती है, नहीं मिलेगी। व्यवहार अच्छा है तो वाणी अच्छी होगी, होगी सब है, ये कंडीशन है। और व्यवहार बुरा है तो वाणी अच्छी नहीं होगी। इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए सम्यक व्यवहार का। लेकिन हमारा व्यवहार सम्यक नहीं है, आदमी देखते व्यवहार बदल जाता है। आदमी आपके साथ व्यवहार बदल गया, बहु की लड़ाई हो रही है सास के साथ, वाणी कैसी है असम्यक, ऊंची आवाज, सास फोन कर रही है बहुत ऊंची आवाज है। और उसी समय बहू की माँ आ जाए, सारा क्रोध एकदम से शांत, वाणी निर्मल, क्या हो गया, व्यक्ति बदल गया, वाणी बदल गई, व्यक्ति बदल गया, व्यवहार बदल गया। होता ना, दो बच्चे लड़ रहे हैं, मास्टर दिख जाए, दोनों बैठ जाए, डर है, दो बच्चे लड़ रहे हैं, और जो टीचर आ जाता है, टीचर के आते हैं, दोनों छोड़ के चुपचाप बैठ जाते हैं, डर से व्यवहार बदल गया। लेकिन ये व्यवहार सम्यक नहीं है। सम्यक व्यवहार ना डर से बदलता है, ना लोभ से बदलता है, सम्यक व्यवहार हमेशा सम्यक रहता है, ठीक रहता है। लेकिन हम लोग इस सम्यक व्यवहार को नहीं समझते। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जो वाणी और व्यवहार के बीच का संतुलन है। प्रैक्टिकल उदाहरण है, साथ में घटी हुई घटना का उदाहरण है। मैं लगातार बाहर रहता हूं, और बाहर रहते रहते कभी मोबाइल में पैसे नहीं होते, बात करनी होती, आज मेरे मोबाइल में सुबह से पैसे नहीं, बंद हो गया। बात करनी जरूरी थी, मैंने बोली चीजें बात नहीं है, नाम बताओ किसी का, मैं प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं, उन्हीं से बात कर लेता। मैंने प्रिंसिपल साहब को फोन किया, उनके फोन में मेरा नाम था, फोन में नाम था। घंटी बजते ही बंदा भी बनते हैं, जी कैसे हैं, कैसे हो, बहुत अच्छा व्यवहार था। मुझे लगता था कि प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे हैं, वाणी बहुत अच्छी है, बड़ी निर्मल है, क्योंकि मैंने जो सुना वही मेरे सॉफ्टवेयर में थे। एक दिन क्या हुआ कि मोबाइल में पैसे नहीं थे, और मैंने मेरे साथ रहने वाले से कहा कि अपना मोबाइल देना, और नंबर मिलाया, नंबर मिलाया, मैंने कहा हेलो, सामने से आवाज आती हेलो, मैं तो घबरा गया, ये तो कहीं गलत नंबर लग गया। मैंने कहा कि मुझे प्रिंसिपल साहब से बात करनी थी, क्या काम था, अरे काम तो फिर बताऊंगा, पहले प्रिंसिपल साहब को तो मिलाओ, पहले काम तो बताओ कहां से किसने फोन किया, अरे फोन तो उसी को बताऊंगा ना जिसको किया है, मैं प्रिंसिपल ही बोल रहा हूं। प्रिंसिपल बोल रहे हैं, आपकी आवाज तो नहीं दिखती प्रिंसिपल साहब की, मैं बनते करना सिंह बोल रहा हूं। ओ सोचो बनते जी आप थे,
मैंने सोचा बिजनेस का बता दिया, वो बिजनेस कैसी बात करता है, नाम बताते ये तो चुप रहो, फिर पर मैं कहूँ ये है सही प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल साहब आप बोल रहे हैं, जो पहले बोल रहे थे वो प्रिंसिपल साहब नहीं थे, जो अब बोल रहे ये है प्रिंसिपल साहब, क्योंकि मैं दोनों प्रिंसिपल साहब को जानता हूँ, जिसकी वाणी कोमल थी मधुर थी। क्या हो गया, क्या आफत आ गई, अगर अननोन नंबर से कोई फोन आ गया तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा, आपके मोबाइल पे नाम फीड है, घंटी बजी तो समझ जाते हो कि कौन बोल रहा है, अब आपको फैसला करना है कि कैसे सुनना है, कैसे बात करनी, आसानी है। लेकिन जब आपके पास कोई कॉल आई उसका नाम नहीं पता है, न जाने व्यक्ति कौन होगा, ज्यादा सजग रहना चाहिए, ज्यादा विनम्र रहना चाहिए। लेकिन भारतीय परिवेश में एक बात पक्की है, जिसको जानते हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और जिसको नहीं जानते वो हमारा दुश्मन है। सच्चाई बात, एक बार नहीं बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे भी फिर कुछ सोचना पड़ा कि बार बार ऐसा करना तो अपमानित होना है, उसको भी शर्मसार करना है, तो मैंने सोचा कि मैं एक पंगा बोल क्यों लूं, मेरे साथ मेरे जो साथी रहते हैं मैंने सोचा इनका इस्तेमाल करो। मैंने कहा भाई अरुण फोन लगाओ बिप्लेश जी को मैनपुरी में, अब उसने मैनपुरी में फोन लगाया, अब वही ज्ञान उसको देना जो मैंने दिया था। आदमी बदल जाता है, परीक्षा नहीं बदलती, किसी भी नंबर पे अज्ञात नंबर से बात करो आदमी बदल जाएगा, लेकिन स्वभाव ऐसा ही दिखेगा। अब उसको भी डांट पड़ने वाली थी, वो मेरे से ज्यादा समझदार है, मेरे साथ जो रहते हैं वो मुझसे ज्यादा समझदार है, उन्होंने देखा कि ऐसी बात नहीं बनने लगी। अब उन्होंने शॉर्टकट निकाला, शॉर्टकट क्या निकाला, फोन किया घंटी गई, हेलो जय विनोद सर मैं अरुण बोल रहा हूँ दमोगी से, लो बंदे जी से बात कर रहा हूँ, मौका ही नहीं दिया। मैंने कहा ये ट्रिक ठीक है, लेकिन ये ट्रिक मैं तो नहीं अपना सकता, ये ट्रिक मैं नहीं अपना सकता, इसलिए अब मुझे आसानी हो गई, अब मैं किसी से बात नहीं करता हूं, मैं कहता हूं अरुण बात करो, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है, कई बार नंबर नहीं होता, फोन बदल जाता, नंबर नहीं होता, फिर ध्यान देना पड़ता है, कब तक चलेगा ये। अरे जिस अननोन नंबर से फोन आ रहा है उसके साथ इतना ही तो बोलना है, जैविक बुद्धा जी हाँ जी कौन सा बोल रहे हैं, अब कौन सा बोल रहे हैं, साधु बोलेंगे, मैं बंदे करना सिंह बोल रहा हूँ, अच्छा बंदे जी आप थे, बंदा भी बंदे जी, लिंकअप हो गए, एक ही शब्द में लिंकअप हो गए, क्यों इतना जोर लगाना पड़ा, क्यों इतनी ताकत लगानी पड़ी, कौन हो, किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, बोल रहा हूँ ना सुनता नहीं है, ये सब बहुतों का आचरण नहीं है। इसलिए जब भी कभी अननोन नंबर से फोन आए तो आपकी पहचान होने वाली, याद रखना मैं पहचानता हूं आदमी को, कौन आदमी अननोन नंबर पर कैसे बात करता है, इसलिए अननोन नंबर से कॉल आए तो समझ जाना कि आदमी महत्वपूर्ण ही होगा, सारे लोग महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, समय व्यवहार और वाणी का, रात को 12 बजे तक कौन कौन सो जाते हैं, सो जाते हैं जो 12 बजे तक सो रहे हैं, बात करना अब 12 बजे सो गए, रात को 2 बजे किसी ने आपको कॉल लगाई, रात को 2 बजे जब आपके मोबाइल पर घंटी बजती है तो आपको कैसा लगता है, ईमानदार से बताओ, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, अच्छा लगता है, जिस चीज को अच्छा लगता हो वो नंबर मुझे देना, कि मैं आपको 2 बजे बात करना है। सुन अच्छी बात है आपको अच्छा लगता हो, लेकिन सामान्य तौर पर जब रात को घंटी बजती है तो बुरा लगता है, और बहुत से लोग झुंझलाते हैं, कट कर देंगे, फिर दोबारा घंटी बजी, फिर कट कर दिया, तीसरी बार घंटी बजी चिल्लाते हैं क्या बात है, तो दिखता नहीं रात हो रही है, साफ दिखता तो रात हो रही है, लेकिन समस्या थी आपके नाम की बात थी, हाँ क्या बात है, ऐसे ऐसे एक लड़का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, उसकी मोटरसाइकिल का ये नंबर है, जेब में नंबर मिला है, क्या आपका है क्या, फिर चौंकते, अरे काम रखना करते, क्या हो गया,
कौन सी कार किसी का जीवन बचाने की हो, क्या पता कौन सी कार किसी को जीवन देने की हो, लेकिन क्यों चौंकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि घंटी बजी तो फोन पे बात हुई तो नींद डिस्टर्ब हो गई, फिर नींद टूट गई। नींद टूटना सुहाग की चुड़ियां टूटने जैसा तो नहीं है, दोबारा आ जाए दोबारा आ जाए, नींद टूट गई। कोई व्यक्ति रात को आपको कॉल कर रहा है तो वो सामान्य कॉल नहीं होगी, असामान्य कॉल होगी। एक बार मेरे पास रात को 2:30 बजे के बाद फोन आया, मैं सो गया था, फोन आया, मैंने सुना हेलो, उसका कि बंदे जीवन नामी, मैंने हाजिर बोली कैसे जान दिया, मैं बुद्धा धमा कर रहा था, उसमें शब्द का अर्थ समझ नहीं आया। मैंने कहा भी बता देता हूँ कि कौन से पेज पर है, मैंने किताब उठाई पेज पर के बता दिया, धन्यवाद किया उसने, अब मैं फिर सो गया। आपके साथ ऐसा होता तो कैसा लगता? आप कहते हैं कोई आफत आ गई थी, आपके कुछ में सुरक्षित रहता, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। मैं क्या सोचता हूं? मैं सोचता हूं जब सारे लोग सो रहे हैं और मैं भी सो रहा हूं, कोई एक आदमी जो जाग रहा है, जो जाग रहा है वो मुझे याद कर रहा है। सारा देश सो रहा है, सारे लोग सो रहे हैं, मैं भी सो रहा हूं और एक आदमी जाग रहा है, और जो जागते हुए रात को 2 बजे भी 2:30 बजे भी मुझे याद कर रहा है, तो मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं उसकी नजर में। मैं धन्यवाद देता हूं शुक्रिया आपका कि आपने मुझे याद किया। सम्यक वाणी, समय के व्यवहार, समय के साथ वाणी नहीं बदलनी चाहिए। 9 बजे तक फोन आया तो जय भी मैं बोलता है, 9 बजे के बाद फोन आया तो डाकर करते हो, ठीक नहीं है। सोने से पहले फोन आया तो ठीक अच्छी बात है, सोने के बाद फोन आ गया तो तूफान खड़ा कर देते हो, अच्छी बात नहीं है। वाणी निर्मल रहनी चाहिए, कभी भी रहनी चाहिए। और कई बार तो मेरे साथ ऐसा होता है, रात को 12 बज रहे 2 बज रहे कॉल आई प्रकट गई, मुझे पता लगता है, मैं तुरंत रेस्पॉन्ड करता हूँ, फिर मैं फोन मिलाता हूँ वो फिर काट देता है, मैं फिर फोन मिलाता हूँ मुझे नहीं पता कि क्या पता किस मुसीबत में हो, फिर मिलाता हूँ फिर कहता है धंधा भी धंधे जी, हाँ भी कौन हो बताया, कैसे फोन किया, कुछ नहीं नींद आने नहीं थी, मैं सोचा आपका फोन टेस्ट कर लूँ अगर मतलब मिलता है या नहीं मिलता। चलो शुक्रिया, मैं तेरा भी शुक्रिया कि रात को 3 बजे 2:30 बजे 2 बजे तेरे को नींद नहीं आ रही और मेरा फोन टेस्ट कर रहा है, शुक्रिया मैं भी पास हो गया, मैं भी पास हो गया, कोई मेरा इम्तिहान ले रहा है और मैं पास हो रहा हूँ, खुशी की बात नहीं है क्या? व्यवहार बदलो, अननोन नंबर से कॉल आ जाए तो शुक्रिया अदा करो, अरे मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया था लेकिन आप आदमी बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बुद्ध की शरण बस यही है कि हम बुद्ध के जो ज्ञान को व्यवहार में उतार ले। विद्वान तो दुनिया में बहुत है, सब जानते हैं कि अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन व्यवहार करके देखो आनंद की अनुभूति होगी। जब व्यवहार करोगे तभी स्वाद को पता लगेगा। आपने रसगुल्ले बहुत देखे होंगे, अच्छे लगते हैं देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन स्वाद खाने से पता लगता है। बुद्ध धर्म देखने में अच्छा लगता है लेकिन स्वाद आचरण उतारने से आएगा, इसलिए सम्यक वाणी और सम्यक व्यवहार हमेशा बनाए रखना है। आदमी देख करके आप व्यवहार नहीं बदलेंगे, आदमी देख करके वाणी नहीं बदलेंगी। और मैं उम्मीद करता हूं जब भी आप गलती करोगे तो आपकी समझ में आने लग जाएगा। तीसरा है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का मतलब है हम जो कमाते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, हमारी कमाई से आजीविका से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो, किसी दूसरे की हानि ना हो, किसी दूसरे की क्षति ना हो, तो हमारी आजीविका सम्यक है। काम कर रहे हो दूसरे को नुकसान नहीं दे रहे हो, आजीविका कमा रहे हो, सम्यक आजीविका है। लेकिन जब आपकी आजीविका से दूसरे का नुकसान होता है, दूसरे की हानि होती हो, तो वो आजीविका सम्यक नहीं है।
तथागत ने पांच प्रकार की आजीविकाओं के लिए मना किया है। पहली आजीविका अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद का व्यापार नहीं करना है। अस्त्र शस्त्र गोला बारूद का व्यापार नहीं करना है। दूसरा, ऐसा कोई कारोबार जिससे प्राणी हिंसा होती हो नहीं करना है। प्राणी हिंसा होती है, जिसका जीवन चला जाए, ऐसी आजीविका आपको नहीं करनी है। जुआ सट्टा लॉटरी ये कारोबार नहीं करना है। जब जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, लॉटरी लगाते हैं, तो किसी की जेब में से धन को निकालना ही है, ये आजीविका संलग्न नहीं है। ऐसा कोई काम जिससे सदाचरण टूटता हो, सदाचरण टूटता हो नहीं करना चाहिए, यानी कि जिससे चरित्रहीनता आती हो वो कारोबार नहीं करना चाहिए। दुराचार का कारोबार, व्यभिचार का कारोबार नहीं करना चाहिए। और पांचवी आजीविका है, किसी भी प्रकार के नशे का व्यापार नहीं करना। ये पांच कारोबार हैं, अस्त्र शस्त्र गोला बारूद का व्यापार, प्राणी हिंसा का व्यापार, जुआ सट्टा लॉटरी का व्यापार, जिस काम से सदाचरण टूटता हो, चरित्रहीनता आती हो नहीं करना चाहिए, और किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार का नशा का कारोबार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप अस्त्र शस्त्र का व्यापार करते हैं तो वो अस्त्र शस्त्र किसी की जान लेने का ही काम करेगा, किसी को मारेगा। जब आप प्राणी हिंसा करते हैं, आप नहीं करते हैं, जैसे मुर्गी पालन है, आपने मुर्गे पाल दी, मुर्गे बेच रहे हो आजीविका के लिए, तो मुर्गों को क्या काम है, कटना है। पहले तो उन्हें खिला पिला रहे हो और फिर उन्हें कटने के लिए दे रहे हो, ये सम्यक आजीविका नहीं है। आपने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, आपको मालूम होगा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां से बाबा साहब ने अर्थशास्त्र से पढ़ाई की थी, उसके फाउंडर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। वो कहते हैं मैं मांस नहीं खाता हूं क्योंकि सारे पशु मेरे मित्र हैं और मैं अपने मित्र का मांस नहीं खा सकता। मैं मांस नहीं खाता हूं क्योंकि सारे पशु मेरे मित्र हैं और मैं अपने मित्र का मांस नहीं खा सकता। ये बुद्ध की स्टेटमेंट है, मैत्री की स्टेटमेंट है, जिसकी मैत्री सभी जीव जंतुओं से हो गई, मैत्री ही मित्रता है, जिसके मन में मैत्री है वही मित्रता है। और बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं मैं अपने मित्र को नहीं खा सकता क्योंकि सारे पशु मेरे मित्र हैं। बस यही बुद्ध का वचन है। अगर हमारी मैत्री पशुओं तक है तो हम क्यों खाएं? एक तरफ मुर्गियां पालते हैं फिर उनको खाते हैं, एक तरफ बकरियां पालते हैं फिर उनको काटने के लिए दे देते हैं, एक तरफ सुअर पालते हैं फिर उनको खाने के लिए दे देते हैं। जिससे तुम मित्रता कर रहे हो, जिसका तुम पालन पोषण कर रहे हो, जिसको पाल पोस रहे हो, उसे प्रेम हो गया है, और कैसे उनको मरने देते हो? अगर बुद्ध की शरण में आए हो तो ये पांच प्रकार की आजीविका नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, और किसी भी सूरत में सदाचरण टूटना नहीं चाहिए। ये है सी, समझ में आगे आगे बढ़ो। आस्थानिक मार्ग का अंतिम चरण समाधि क्या है? समाधि को समझने के लिए हमें समाधि को समझना होगा। समाधि में भी तीन बातें हैं, कितनी बातें हैं? तीन बातें हैं। पहला है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम ये शरीर का व्यायाम नहीं है। किसका व्यायाम है? चित्त का व्यायाम है, मन का व्यायाम है। क्योंकि बुद्ध के धर्म में ये माना जाता है
कि सारा जीवन चित से चलता है, मन से चलता है। अगर मैं खुश हूं तो मन का मामला है, दुखी हूं मन का मामला है, काम करने को मन कर रहा है तो मन का मामला है, नहीं कर रहा है तो मन का मामला है। हम जो भी करते हैं सब मन से होता है। इसलिए किसी को मारते पीटते हैं तो मन से, प्रेम करते हैं तो मन से, हत्या करते हैं तो मन से, जीवन देते हैं तो मन से। मन ही है जो जीवन को चलाता है। उस मन को निर्मल करने का भी कोई प्रयोजन होना चाहिए। जैसे हमने सम्यक दृष्टि में बताया था निर्मल बुद्धि, तो प्रज्ञा जो है वो और प्रगाढ़ होनी चाहिए तभी हम समाधि में पहुंचेंगे। तो प्रज्ञा को और प्रगाढ़ करने के लिए, बुद्धि की निर्मलता को और बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि जो बुद्धि में मलिनता है, बुरे विचार है, उनको खत्म होना चाहिए। तो सम्यक व्यायाम में चार बातें हैं, चार काम करने होते हैं। पहला काम, सम्यक व्यायाम का पहला काम है बुरे विचारों को बाहर निकालना। जो भी हमारे बुरे विचार हैं उनको बाहर निकालना है। तो सबसे पहला काम, जब तक हमारे मन में बुरे विचार रहेंगे हम कभी भी चित्त को निर्मल नहीं कर पाएंगे। बुरे विचारों को बाहर निकालें, और दूसरा काम हो गया बुरे विचारों की उत्पत्ति को रोकें। जहां से बुरे विचार पैदा होते हैं हमें उसको रोकना है। और तीसरी बात है अच्छे विचारों को आने दें। अच्छे विचारों को आने दें। और चौथी बात क्या है, अच्छे विचारों को और बढ़ाएं, जितना हो सके आने दें, जितना हो सके और बढ़ाओ। ये चार प्रकार के काम हैं सम्यक व्यायाम के। दोबारा ध्यान दें, जो हमारे मन में बुरे विचार हैं उनको बाहर निकालो, सफाई करो मन की। दूसरा काम, जहां से बुरे विचार पैदा होते हैं उसको रोको। तो दो काम तो सफाई क्या हो गया, बुरे विचारों को बाहर निकालना है, बुरे विचारों की उत्पत्ति को रोकना है, और तीसरा काम अच्छे विचारों को आने दो और अच्छे विचारों को बढ़ने दो और बढ़ने दो। दूसरा उदाहरण देना, जैसे ये हमारा घर है, मकान है, इसके खिड़की दरवाजे खुले हैं, अभी तेज आंधी आ गई, तेज आंधी आ गई तो घर कैसा हो गया, गंदा हो गया, धूल मिट्टी आ गई, पत्ते आ गए, घर सारा गंदा हो गया। अब हमें क्या करना, सबसे पहला काम घर की सफाई करेंगे। जो भी धूल मिट्टी आ गई, गंदगी आ गई, उसको बाहर निकालेंगे, घर साफ हो गया। दूसरा काम करेंगे, खिड़की दरवाजे बंद करेंगे, यहीं से आ जाते हैं, क्योंकि दोबारा भी आंधी आ गई तो फिर गंदा हो जाएगा, तो खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। अब गंदगी बाहर निकल गई, गंदगी को आने का रास्ता बंद हो गया। तीसरा काम, अब इसको अस्त व्यस्त हो गया था तो उसको सजाना है। सोफा पे कपड़ा हो गया था लगा दिया, बेड पे चद्दर नहीं बिछा दी, पर्दे ठीक कर दिए, सूत्र लगा दिया। अच्छे विचारों को आने दो, अच्छे विचारों को बढ़ने दो। अब मकान को सुंदर बनाना, फूल पौधे लेके आओ, कुछ और लगाओ, कलर टानो, तस्वीर टानो, मकान को सुंदर बना दिया। ये सम्यक व्यायाम है। सम्यक व्यायाम के लिए आपको ध्यान साधना की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान साधना, ध्यान साधना के बिना हम चित्त को निर्मल नहीं कर सकते। बातों से चित्त निर्मल नहीं होता। आस्थानिक मार्ग में बातों से समझा रहा हूं, व्यवहार में उतारने के लिए आपको ध्यान साधना का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान साधना में क्या होता है, हम अपने चित्त को निर्मल करते हैं, एकाग्र करते हैं। चित्त एकाग्र होता है तब हम देखते हैं आज मुझसे क्या गलती हुई। सुबह जब प्रिंसिपल साहब मिले तो मैं सही व्यवहार पानी नहीं बोली, मैंने सही व्यवहार नहीं किया। मन कहता है जरूर मेरे मन में बुरे विचार थे, अब सूचित करो। फिर फोन करके कहूंगा प्रिंसिपल साहब मेरा मूड ठीक नहीं था, बुरा मत मानना। वो कहेंगे हाँ ये मैं भी समझ रहा हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते, जरूर कोई बात होगी,
व्यायाम ने ही मुझे कहा गलती होगी तो सुधार करो, गलती होगी तो सुधारो। सम्यक व्यायाम सुधारने का काम करता है, जो बुरे विचार मन में आ गए उन्हें बाहर निकालने का काम करता है। अगर बुरे विचार मन में ठहर गए तो बुराई पैदा करते रहेंगे। जब तक ध्यान साधना के माध्यम से हम बुरे विचारों को नहीं पहचानेंगे वो मन जटे रहेंगे, और मन जटे रहेंगे तो गलती फैलाते रहेंगे। आप चाह करके भी किसी आदमी के प्रति सकारात्मक नहीं हो सकते। ध्यान साधना में बैठने से चित्त के सामने एक दृश्य भी आता है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी कमजोरियां देखने लगते हैं। अभी तो एक्सरे हम दूसरे का करते हैं, लेकिन बुद्ध की शरण में आने के बाद जब हम समाधि की बात करते हैं तो हम खुद का एक्सरे देखते हैं। मैं कैसा हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा चित्त कैसा है, मैं किसी के प्रति क्या सोचता हूँ, क्यों बुरा सोचता हूँ, क्यों किसी की निंदा करता हूँ, ये सारी बातें सम्यक व्यायाम में हम ठीक करते हैं। तो सम्यक व्यायाम चित्त का व्यायाम है, हम इसको ठीक करते हैं जो हमारी सील की बातें हैं, सम्यक दृष्टि की बातें हैं। अगला है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब है याददाश्त नहीं है, सम्यक स्मृति का मतलब है सजगता, जागरूकता। समाधि में पहुंचना है तो हमें जागरूक होना होगा। जागरूक, जागरूकता कैसे, जो भी घटना घटे, जो भी मैं कर रहा हूं उसके प्रति सजग हो जाऊं। एक एक शब्द जो निकल रहा है, एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूं, वो शब्द वही हो जो मैं बोलना चाहता हूं, एक भी गलत शब्द मुंह से निकल नहीं जाए। जैसे कई बार बातचीत करते करते आप किसी को गाली दे देते हो, फिर आप कहते हो सोनी गलती हो गई, मुंह से निकल गई। कहते ना कई बार गलती हो गया मुंह से निकल गई। मुंह से क्यों निकली, मुंह में थी तभी तो निकली, मुंह में थी तभी गलती निकली है, तभी गाली निकली है। अब सवाल ये नहीं है कि निकल गई, अच्छा हुआ कि निकल गई, वरना तो अंदर रहती तो नुकसान करती, अंदर रहती तो नुकसान करती। मुंह से निकल गई ये तो अच्छा हो गया, लेकिन भाई मैं तो बुद्ध को मानता हूं। बुद्ध कहते हैं कि ये पता लगाओ कि वो अंदर आई कहां से। ये तो ठीक है अंदर से निकल गई, गलती से निकल गई, लेकिन ये तो जांचना पड़ेगा ना कि वो गाली आई कहां से, आई कहां से। बता दिया है तथागत ने, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे ही सब बनते हैं, और जो सब बनते हैं वही बाहर निकलते हैं। तो जरूर तूने गलत सोचा होगा। मेरा झगड़ा इस बात का नहीं है कि तूने गाली दी, मेरा झगड़ा इस बात का है कि तूने गलत सोचा है। गाली तो अच्छा हुआ बाहर निकल गई तो पता लग गया, बुखार हो गया तो पता लग गया कि मच्छर ने काटा है। अगर बुखार नहीं होता तो अंदर ही अंदर बीमार होता, अच्छा हो गया। सम्यक स्मृति बस यही करती है कि कहां से आए, एक्सरे है अंदर का, सीटी स्कैन है, फ्लोरोस्कोपी है, गुजर रहे हो देख लिया, अरे मेरे चित्त में बुरा विचार आया। जब मैंने विघ्नेश को देखा तो बुरा विचार आया, इसका मतलब स्मृति कहेगी जरूर तेरे मन में उनके प्रति बुरा भाव है। व्यायाम को कहेगा व्यायाम ठीक कर, तो सम्यक व्यायाम उसको ठीक करता, बाहर निकालता। ध्यान साधना के माध्यम से जब आप अपने चित्त को देखते हैं, गंदगी को देखा तो बाहर निकल गई, फसला भर के बाहर नहीं निकालता, देखती गंदगी साफ हो जाती है, मुझे पता लग गया है कि मेरे चित्त में गंदगी है, बाहर निकल जाएगी। ये प्रोसेस है, चित्त की निर्मलता को देखने लग जाओ, गंदगी टिकती नहीं है। सफेद कपड़े पहन रखे हैं, सफेद कपड़े हैं, एक पर दाग लग जाए तुरंत नजर आएगा दाग लगा है, और जब तक दाग धुल न जाए सफेद कपड़ा पहनना मुश्किल हो जाता है। इससे बहुत लोग सफेद कपड़े पहनते हैं ताकि कोई दाग लगे ही ना, और लग जाए तो दिख जाए, धुलने के बाद ही पहनते हैं, सजगता के लिए पहनते हैं, ये दाग लगे ना, सजगता। सम्यक स्मृति सजगता है, एक भी गलती करोगे पता लग जाएगी। बुद्ध की शरण में आने के बाद तो गलती का मामला ही नहीं,
हो गई तो कहीं कहीं गड़बड़ है, इसलिए ये सम्यक स्मृति है, पूर्ण सजगता। जागरूक होने का अभ्यास करोगे तो पहले सत्र में मैंने समझाया था क्रोध सजगता से बच जाते हो, तो ये सजगता का अभ्यास यहां भी काम आएगा। ये सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति क्रोध को शांत करने का काम करती है। इसलिए ध्यान साधना के माध्यम से आप चित्त की निर्मलता की बात कर सकते हो। और अंतिम बात है, यह है सम्यक समाधि। समाधि में है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब है चित्त की निर्मल अवस्था, चित्त की निर्मल अवस्था। आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ी गड़बड़ सी लग रही है, यहां तो मैंने कहा निर्मल चित्त, यहां क्या था? निर्मल चित्त प्रज्ञा थी, और ये है चित्त की निर्मल अवस्था। चित्त की निर्मल अवस्था, चित्त निर्मल चित्त, ये क्षणिक प्रभाव है। अभी खुशी मिल जाए खुश हो जाएंगे, दुख आ गया दुखी हो जाएंगे। चित्त की निर्मलता सफाई नहीं है, तो चित्त की निर्मलता निर्मल चित्त प्रज्ञा है। लेकिन जब चित्त प्रज्ञा में स्थित हो जाए, जब चित्त हमारा प्रज्ञा में स्थित हो जाए, तो वो चित्त की निर्मल अवस्था हो गई, अवस्था हो गई। जैसे आप बूढ़े हो गए, बुढ़ापा एक अवस्था है, जवानी एक अवस्था है, बचपन एक अवस्था है, ऐसे ही चित्त की निर्मलता स्थायित्व की ओर जा रही है। यह है समाधि। कहते ना कि समाधि चला गया, अब उसे तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी प्रज्ञा जो है वो स्थिर हो गई है, चित्त की निर्मल अवस्था में आ गई है। अब छोटी छोटी बात में बिगड़ने वाला नहीं है। बुद्ध कहते हैं कोई भी अवस्था व्यक्ति समाधि में पहुंच सकता है, कोई भी पहुंच सकता है, बहुत आसान है। समाधि में पहुंचना मुश्किल नहीं है, लेकिन समाधि में डटे रहना तलवार की धार पर चलने के समान है। समाधि में पहुंचना तो आसान है, लेकिन समाधि में टिके रहना तलवार की धार पर चलने के समान है। इसलिए पूर्ण सतर्कता का अभ्यास ही आपको समाधि में ठहराए कर सकता है। पूर्ण सतर्कता है सम्यक समाधि। इसलिए समाधि बहुत महत्वपूर्ण है, बिना ध्यान साधना के समाधि स्थिर नहीं रहती है। अभी तो हम बहुत खुश थे, नुकसान हो गया तो गाली देने लगे, अभी तो हम बहुत खुशी मना रहे थे, कोई बुरा आदमी आ गया तो लड़ने लगे, ये समाधि नहीं है। चित्त की निर्मलता एक अवस्था में बदल जाए तो समाधि। समाधि में डटे रहने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। तथागत ने कहा है समाधि में डटे रहने के लिए पांच बाधाएं हैं। कितनी बाधाएं हैं? पांच। पांच बाधाएं हैं, बस ये बाधा समझ लो समाधि समझ में आ जाएगी। पहली बाधा है लोभ। यूं कहें तृष्णा, यूं कहें वासना। जब मन में लोभ पैदा होता है और हम लोभ को पूरा करने लगते हैं, तो वही लोभ तृष्णा में उतर जाता है। बार बार जब इच्छाओं को पूरा करोगे तो वो तृष्णा में बदल जाती है, और तृष्णा ही वासना है। तृष्णा ही क्या है? वासना है। वासना क्या है? तृष्णा है। जब भी मन में लोभ पैदा हुआ किसी वस्तु को पाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए, किसी को भोगने के लिए, ये तृष्णा है। आप लोभ पूरा करते हो, फिर लोभ आ जाता है, फिर पूरा करते फिर आ जाता है, तृष्णा है और यही वासना है। जब भी आपके मन में लोभ तृष्णा वासना कुछ भी पैदा हुआ तो समाधि टूट जाएगी। क्यों? लोभ पैदा होगा तो आप झूठ बोलेंगे,
लोग पैदा होगा तो झूठ बोलेंगे, लोग पैदा होंगे तो ही चोरी करेंगे। व्यवहार बिगड़ गया। जो ही लोग पैदा होगा तो वाणी भी बिगड़ गई, व्यवहार भी बिगड़ गया, सीध टूट गए। तीनों चीजों से ही सीध टूटते हैं। वासना की पूर्ति हुई, सीध टूट गया, क्योंकि लोग ये सब कारोबार की समझ जाते हैं। दूसरी बात है द्वेष, ईर्ष्या। द्वेष या ईर्ष्या एक शब्द है। जो ही हमारे चित्त में द्वेष पैदा होता है हम क्या करेंगे? कटु बोलेंगे। कटु बोलेंगे तो वाणी बिगड़ गई, कटु बोलेंगे तो झगड़ा भी होगा, व्यवहार बदल गया। जो ही द्वेष पैदा होता है आपकी सीध टूट जाते हैं। द्वेष पैदा होता है तो डर सताने लगता है, डर सताने लगता है तो अविद्या आने लगती है, दृष्टि भ्रमित हो जाती है, फिर हम अच्छे बुरे का ख्याल नहीं करते हैं। वासना चलती है तो भी अविद्या में चले जाते हैं, यहां भी सब में दृष्टि बिगड़ जाती है। चाहे द्वेष पैदा हुआ चाहे लोभ पैदा हुआ, अविद्या में आ गए, आ गए ना। तीसरा है आलस्य। आलस्य तथागत कहते हैं कि आलस्य सबसे बड़ा रोग है। आलसी व्यक्ति कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, आलस्य सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि आलसी व्यक्ति कुछ करता नहीं है। अब आलसी व्यक्ति अविद्या का नाश क्यों करेगा? वगैरह जो हो रहा है सो होने दो। आलसी व्यक्ति प्रज्ञा में आएगा ही नहीं, जो कच्ची चीजें होता ही नहीं। आलसी व्यक्ति का स्वभाव क्रोध वाला होता है, याद रखना। जो जितना ज्यादा आलसी होगा उसका स्वभाव उतना ही ज्यादा क्रोध वाला होगा। आलसी व्यक्ति निंद्रालु होता है, वो ज्यादा सोता है और साथ में निंदा भी बहुत करता है, दूसरे की बुराई करेगा, निंदक होता है। आलसी व्यक्ति दूसरे की बुराई करने वाला होगा हमेशा। आलसी व्यक्ति किसी की प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि सभी लोग उससे आगे निकल जाते हैं और उसके मन में हमेशा नफरत है, प्रतिस्पर्धा है, नफरत हो जाती है। आलसी व्यक्ति तंद्रालु होता है, जब भी बोलेगा आपको दुखी देगा, ताने कसेगा, व्यंग कसेगा। तो आलसी व्यक्ति कभी भी व्यायाम में नहीं जा सकता, कभी भी सबल नहीं रह सकता, और आलसी व्यक्ति का व्यवहार भी अच्छा नहीं है, वाणी भी अच्छी नहीं है, आजीविका का तो बुरा हाल है, आलसी का माता कुछ नहीं है, सीध टूट गए। आलसी व्यक्ति भूखा बनेगा। आप कहो भाई क्या काम कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ जी। कुछ तो कर रहे हो? कुछ नहीं करता हूँ जी। आलसी आदमी सबसे बढ़िया है, उसको आजीविका की कोई चिंता नहीं, उसे तो खात्मे ही मिलना चाहिए, चारपाई में मिलना चाहिए। तो आलसी व्यक्ति सीलवान नहीं होता, आलसी व्यक्ति समाधि में नहीं जा सकता, और आलसी व्यक्ति का चित्त कभी निर्मल नहीं होता। आलसी व्यक्ति की प्रज्ञा सील समाधि तीनों ही टूट जाती है। चौथी बात है अनिश्चय। अनिश्चय जब आप निर्णय नहीं करते, निर्णय नहीं करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, हम संशय में रहते हैं, जाऊं नहीं जाऊं, पता लगा कि कैंप लगना है, आप सोचते हैं जाऊं नहीं जाऊं, निमंत्रण देंगे जी आपको कैंप में आना है, और आप तड़पाते हैं, कहते हैं बाजी वाह बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया काम करते रहते हैं, हम कहेंगे आपको तो आना है, पूरी कोशिश करूंगा, पक्की कोशिश करूंगा। अरे कोशिश क्यों करता भाई? आने के लिए हाँ और ना बोल, वो ना तो ना बोलेगा और ना हाँ बोलेगा, वो कहेगा कोशिश करूंगा। मैं कई सालों तक बड़ा भ्रमित रहा, लोग कहते कोशिश करूंगा, और मुझे समझ नहीं आया कोशिश होती कैसी है। बहुत दिनों के
कोशिश करूंगा, अब मैं मानता हूं जो कोशिश करता है वो आता नहीं है। इसलिए आप भी जब कोई कहे कि कोशिश करूंगा तो कहना भैया मत आना, निमंत्रण पर निभा दे देंगे। कोशिश का क्या मतलब है? आपने कार्यक्रम रखा, मेरे से संकल्प लिया, आपने कहा कि 17-18 को कैंप लगना है, मैंने कहा कि कोशिश करूंगा। अगर मैं कहता कोशिश करूंगा तो क्या तैयारी कर लेते? और भाई जी मेरी कोशिश आप जैसी होती तो आप क्या करते हैं? मैं भी कहता जी कोशिश तो पूरी की, आ नहीं सका। कोशिश मत करो, कोशिश करना झूठ बोलना है। एक उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं, आपके बेटे की शादी तय हो जाए, अभी सितंबर का महीना है और शादी होनी है जनवरी में, शादी की तारीख होगी 10 जनवरी, आप कहेंगे जी कोशिश करूंगा? कहते कभी आपकी शादी की तारीख तय हो कभी कहते हैं कोशिश करूंगा? जिसकी शादी की तारीख तय हुई उसने कभी नहीं कहा कोशिश करूंगा, वो आ ही जाता है। लेकिन दूसरे की शादी हो तो कोशिश करूंगा। अब समझ में आया ना आप कितनी कोशिश करते हैं? मेरे साथ बहुत बड़े हादसे होते रहते हैं, अब तो कम हो गए हैं। एक बार मैंने सोचना शुरू किया कि मैं 500 लोगों को बुलाता हूं, 100 लोग आते हैं, वो 400 लोग कौन है ढूंढना चाहिए, तो पता लगा वो सारे कोशिश करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी कोशिश करूं। एक मित्र का फोन आ गया कि बंदे जी बेटा हुआ है और आपको नाम पर संस्कार करना है। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा, मुझे टाइम दो, जो मर्जी ले रहे। उसने कहा जी ये कैसे हो गए, जो आपके पास टाइम रहता ही नहीं। अरे रहता नहीं क्या है, मेरे पास टाइम टाइम तो बता कौन सा दिन चाहिए। उसने कहा जी 10 फरवरी ठीक रहेगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है आप आ जाओगे? मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा और तो घबरा गया, कोशिश करूंगा आदत तो कभी काम ही कोशिश करो। वैसे कोशिश का मतलब आप जाओगे ना? अरे मैंने कहा कि ये बात पूछ क्यों रहा है, मैं कोशिश करूंगा पूरी कोशिश करूंगा। और घबरा गया, तो 2-3 घंटे बाद फिर फोन करता है, बंदे जी का तो कंफ्यूज हो गया, आपने कभी कहा ही नहीं कोशिश करूंगा, तो फिर कोशिश कहां से आ गई? मैंने कहा भाई तेरे पास से आई। मैं जब भी बुलाता हूं तो कहता कोशिश करूंगा, और तेरी कोशिश जैसी होती है बिल्कुल 100% मैं वैसी कोशिश करूंगा, 100% कोशिश करूंगा, झूठी बोल रहा हूं। अब तू बता दे कितनी बार तूने कोशिश की मेरे पास पहुंचा? उसने कहा जी 6 महीने से मैं तुम्हें नहीं पहुंचा हूं, तो ठीक है 6 महीने तक मेरी भी कोशिश ऐसी ही होगी। मेरे कार्यक्रम का क्या होगा जी? जो लोग आएंगे वो तो आपके नाम से आते हैं, उसका क्या होगा? वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मेरे साथ होगा। समझ जाओ, समाधि में स्थित होना है तो अनिश्चय मत रखो, फैसला करो आ सकता हूं तो आऊंगा, नहीं आ सकता तो नहीं आऊंगा। अगर कोई अड़चन हो तो बता दो, देखो भैया मैं बिल्कुल आऊंगा, लेकिन ये छोटी समस्या है, ये समाधान हो गया तो मामला ही नहीं। जैसी सिचुएशन है सच बताइए, झूठ मत बोलिए, कोशिश करूंगा। मैं आपको भी सलाह दे रहा हूं, अगर कोई कहे कोशिश करूंगा तो भले उसको मत बताना, नहीं नाम काट देना, क्योंकि अक्सर कोशिश से फेल होती है। और कोशिश करना तो पता कैसे है? आपने समय दिया 9 बजे कार्यक्रम होगा, अब वो कुछ नहीं कहेगा कोशिश कर रहा है, अभी अपने घर के काम में लग गया, कहता 9 बजे को कार्यक्रम होता है, अरे 10 बजे को आएंगे, तो 10 बजे तक तो सोचना नहीं, फिर 10 बजे है तो 11 बजे शुरू होता होगा, अब 11 बजे चलूंगा, अब 11 बजे तक पोस्टपोन, 11 बजे के बाद फोन करता है, हाँ जी प्रोग्राम कितने बजे शुरू होगा? अरे ये तो बता दिया था सुबह 9 बजे शुरू होगा। अच्छा कितने लोग आ गए? बस तेरी कमी बाकी सब आ गए, चलो जी मैं भी आता हूँ। अच्छा बंदे जी आ गए?
बनते जाएंगे तब आएगा। चलो आता फिर वो ना काम शुरू करता है, फिर ना खाना नहीं खाएगा, फिर देखेगा अरे 12 बज गए। चलू या नहीं चलू, अभी 40 मिनट लगेंगे ट्रैफिक जाम हुआ तो 1 घंटा लग जाएगा, 1 बज जाएंगे, 2 बजे कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। 1 घंटे के जाने का फायदा क्या, ज्यादा संदेह वाले लोग
ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और उनकी सतर्कता बस यही ढूंढती रहती है। और ये ज्यादा सतर्कता एक पागलपन है। क्या है? पागलपन है। चित्त की निर्मल अवस्था खत्म हो गई, समाधि टूट गई, सीध टूट गया, प्रज्ञा टूट गई, तीनों चीज टूट गई। ये पांचों बाधाएं जब तक रहेंगी आप कभी भी समाधि में नहीं पहुंच पाएंगे। अगर समाधि में पहुंचना है तो लोभ तृष्णा वासना को खत्म करो। जो ये खत्म होने लगेगा आपकी वाणी, आपका व्यवहार सुंदर होगा। एक बात खत्म हुई, समाधि में टिके रहने की संभावना बढ़ गई। द्वेष को खत्म करो, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से नफरत नहीं करनी। बस समय व्यायाम में जाओ, मैं क्यों बुरा सोचूं, क्यों बुरा करूं। आलसी प्रवृत्ति को त्याग करो, अनिश्चय खत्म करो और संदेह को दूर करो। जो भी संदेह दूर होता है अविद्या का विनाश हो जाता है और समाधि में स्थिर हो जाते हैं। ये समाधि है अष्टांगिक मार्ग, प्रज्ञाशील समाधि से बना है। चित्त की निर्मलता के लिए काम करें, सीखों का पालन करें और समाधि में स्थिर रहने का अभ्यास करें। बुद्ध की शरण में आए हो, मध्यम मार्ग पर चलने लगो। बुद्ध कहते हैं जब कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग पर चलता है उसके लिए निर्वाण का मार्ग खुल जाता है। निर्वाण समझते क्या था? निर्वाण, निर्वाण का मतलब है परम सुख। पाली का शब्द है निर्वाण, परम सुख। मध्यम मार्ग पर चलते हुए ही आप सुखी हो सकते हो, परम सुख को पा सकते हो, जहां ना दुख है ना सुख है, दोनों के बीच की अवस्था ही निर्वाण है। निर्वाण का मतलब है वासना से मुक्ति। निर्वाण का मतलब है डर से मुक्ति। निर्वाण का मतलब है द्वेष से मुक्ति। तो निर्वाण सुख का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग पर चलने से सुख आता है। थोड़ा सा थोड़ा बहुत भी छल कपट रह गया, अगर पांचों बाधाओं में से कोई बाधा रह गई तो निर्वाण का द्वार कभी नहीं खुलेगा। तो मेरी कामना है आप लोग सुबह से यहां बैठे हैं अष्टांगिक मार्ग को ध्यान से समझ रहे हैं, ठीक से अष्टांगिक मार्ग को आचरण उतारने का अभ्यास करें और आपके लिए निर्वाण का मार्ग खुल जाए। निर्वाण के मार्ग का खुलना महाकाव्य बुद्ध के अनुकंपा का पात्र बनना है और आप बुद्ध के अनुकंपा के पात्र बन जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मेरा ध्यान से सुना है, आपका बहुत बहुत मंगल हो। किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विपश्यना जो करवाते हैं सत्यनारायण गोयल जी, उन्होंने कहा कि पहले सीलों का पालन करो, फिर समाधि का पालन करो, फिर प्रज्ञा जगेगी। मैं इस बात को इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझने के लिए बात कर रहा हूं। ये प्रज्ञा है, ये सील है और ये समाधि है। क्या मैंने बताया? सी समाधि फिर प्रज्ञा। ठीक, आप बता रहे हो पहले समाधि न पहले सी, आपने यहां से शुरू किया फिर समाधि फिर प्रज्ञा फिर सी। आपने यहां से शुरू किया, मैंने यहां से शुरू किया, कोई यहां से भी शुरू कर ले। एक बार बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। सी है त्यौहार, छोटा सा बच्चा है अभी कोई एक महीने का, उसे नहीं पता कि वासना क्या है, उसे नहीं पता कि क्रोध क्या है, उसे नहीं पता कि सुख क्या है। और वो कभी रोता है, कभी गिड़गिड़ाता है, केवल हाथ पर मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। क्या वो सीलवान है? क्या वो सीलवान है? चार साल का बच्चा है, खाने की चीज है, छुपा देता है, क्या वो सील तोड़ रहा है? झूठ बोल देता है, मम्मी मैंने नहीं लिया, हाथ पीछे है, क्या कर रहा है? कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं, घूम रहा है, क्या वो सील तोड़ रहा है?
बाबा साहब कहते हैं बिना प्रज्ञा के सीर समझ में आ ही नहीं सकता। छोटा सा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, वो प्रज्ञावान नहीं है तो सीर के बारे में क्या जानेगा। पहले प्रज्ञा होगी तभी सीर समझ में आएंगे, तो प्रज्ञा जागृत होगी तभी सीर समझ पाएगा, सीरों का पालन ही समाधि को ले जाएगा और समाधि जब भी होगी जब प्रज्ञावान होगा। चाहे यूं चल लो चाहे यूं चल लो, चलना एक कदम ही है, सीर समाधि प्रज्ञा, प्रज्ञा सीर समाधि। चाहे यहाँ से चलो चाहे यहाँ से चलो चाहे यहाँ से चलो, कोई भी चीज अलग नहीं है, एक मुट्ठी की तरह से बंद है, मुट्ठी की तरह से बंद है। ये अंगुली का पहला हिस्सा है, दूसरा तीसरा थैली है, ये मुट्ठी है। अब यहाँ से शुरू करोगे या यहाँ से करो या यहाँ से करो या यहाँ से करो, एक साथ ही चलना है। प्रज्ञा होगी तब सिर पता लगेगा, सिर होंगे तब समाधि आएगी, बिना सिर के समाधि नहीं और बिना प्रज्ञा के सिर का पता नहीं। जिसको प्रज्ञा नहीं तो सिर कैसे मानेगा, एक ना समझ है, जानता ही नहीं कि वासना क्या है और सिर को क्या समझेगा। जानता है कि वासना क्या है तभी सिर समझेगा, जानता है कि द्वेष क्या है तभी सिर को समझेगा, जानता है कि प्यार क्या है तभी सिर को समझेगा। इसलिए बिना प्रज्ञा के बिना सम्यक दृष्टि के सिर नहीं आ सकते, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। इसलिए बुद्ध ने भी पहले प्रज्ञा जागृत करने के लिए कहा है। आपकी बात सही है या गलत है इस पर मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। सवाल बाद में तो सम्यक दृष्टि।